तो हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी में। और अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूँ स्टेट बोर्ड में, तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का टॉपिक जिससे हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बायोट सावर्ट्स लॉ। करेक्ट, सावर्ट्स लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसमें टी हम जनरली इसको साइलेंट प्रोनाउंस करते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ। अगर पूरे चैप्टर की बात करूँ तो लेक्चर नंबर 5 में अभी तक हमने ये देखा कि अगर मैं किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रख रहा हूँ तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। पहले केस में अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो हमने देखा कि अगर मैं किसी भी चार्ज को वेलोसिटी वी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर मैंने देखा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है। अब इससे आगे वाला चैप्टर जो भी हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 के आगे, उसमें हमको फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए दोस्तों, हमने ऑलरेडी 10th में ये चीज़ें पढ़ी है कि अगर कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड अगर इफ़ द थंब डिनोट्स द सेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में। अब क्या करना है, बायो सावर्ट्स लॉ किस बारे में बात करता है कि अगर मैं कोई भी कंडक्टर की बात करूँ जिसमें से करंट आए फ्लो हो रहा है, उस पर एक सर्टन डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस बारे में किसने बताया, बायो सावर्ट्स लॉ ने बताया। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बायो सावर्ट्स लॉ ने बहुत जनरल तरीके से ये बोला, मानो मैंने एक आर्बिट्री लेंथ का एक कंडक्टर कंसिडर किया, दिस इज़ द आर्बिट्री लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आर्बिट्री शेप है इसलिए पूरे लेंथ को डिफाइन करने से पहले आई टेक अ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ, दैट इज डीएल। ऑलरेडी मुझे ये भी पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने ये भी देखा कि करंट का डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर, तो डीएल का डायरेक्शन भी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। अब मानो मेरे को इस जो पर्टिकुलर कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एट पॉइंट पी कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये निकालना है। सबसे पहले चीज़ तो आप ये चीज़ पता कर लो, राइट हैंड थंब रूल से अगर आप थंब विल डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करूँ तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, तो डायरेक्शन मैंने निकाला। अब मेरे को इस छोटा लेंथ, एलिमेंटल लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है। तो छोटा लेंथ की वजह से छोटा फील्ड जो आएगा उसको मैं डी बी बोल सकता हूँ, छोटा मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज़, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंथ लेट अस कंसिडर इट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय आर बार। और एक चीज़, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय दिस छोटा एलिमेंटल लेंथ विथ आर वेक्टर। तो अगर आपने इतने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया तो अब आप इजीली बायो सेवर्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। बायो सेवर्स लॉ की स्टेटमेंट ये बोलती है, इफ़ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या नॉर्मल आर्बिट्री शेप करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ़ यू कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट डी एल एट अ डिस्टेंस आर मेकिंग एन एंगल थीटा, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। देखो मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आप इसको याद रखना चाहोगे। देखो नॉर्मली अगर क्या पसंद है सबसे ज़्यादा आपको, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट से, मेरे से भी पूछोगे, तो अगर मैं आइडियली हूँ तो मैं ज़्यादातर सोना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे देखो आप आइडियल, क्योंकि क्या होता है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, म्यू ज़ीरो की हम बात करेंगे ये आपको समझ में आएगा। कई बार बच्चों का कन्फ्यूज़न इसको याद रखने में होता है। तो आप कैसे याद रखोगे, आइडियल मतलब जब मैं खाली बैठा हूँ, वेला बैठा हूँ, तो जब मैं खाली हूँ वेला बैठा हूँ तो मुझे पता है अगर मेरे को मौका जाए तो मैं सबसे पहली चीज़ जो चूज़ करूँगा वो है सोना, ठीक है। और कब सोना पसंद करूँगा, दोपहर की नींद, आपको पता है दोपहर में अगर आप सोओगे तो मम्मी पापा आपको उठा देते हैं, या जनरली आपको फ़ोन आ जाता है किसी भी दोस्तों का तो आप चले जाते हो बाहर, या पता नहीं दोपहर को वो फील नहीं आता, करेक्ट। तो अगर आपको मिले मौका दोबारा सोने का तो कब सोओगे, रात को सोओगे, राइट। तो इस ट्रिक को याद रखिए, आइडियल सोना रात भर दोबारा, तो रात भर का आर आएगा, दोबारा का स्क्वायर आएगा। आइडियल मतलब खाली, और आइडियली आपको सोना पसंद है, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक ट्रिक दे सकूं, अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख सकते हो। इसमें एक खास चीज़ जो अपने को फोकस करनी है, दैट इज़ म्यू नॉट। अब म्यू नॉट इज नथिंग बट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम,
और इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻¹। अगर आप इसके यूनिट की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आएगा टेस्ला। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इसमें से एक मीटर बचेगा, लेंथ मीटर, और यहाँ से करंट जाएगा। सो दिस विल बी द यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करेक्ट। दिस विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अगर आप चाहो तो आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, टेस्ला का आपको पता है मीटर ऑन एमीटर, एम्पियर, करेक्ट। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ स्केलर वाइज। अगर मेरे को इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ आर। तो अगर मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, अभी आर डी एल साइन थीटा दैट इज़ नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार इंटू डी एल बार। तो इसको अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में रखूँ तो दैट विल बी आई आर बार क्रॉस डी एल बार अपॉन आर क्यूब। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्स क्यूब को वैरी करेगा, नहीं। बहुत बार बच्चों को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ये कन्फ्यूजन होता है कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो दिस विल बी नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। नो, इनवर्स स्क्वेयर लॉ फॉलो होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड आपका कम होते जाएगा। अगर आप पॉइंट जैसे जैसे दूर चले जाओगे, करंट से दूर चले जाओगे, तो उस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स स्क्वेयर लॉ को वैरी करेगा। और अगर मैं एंटायर लेंथ पे निकालना चाहूँगा तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आई विल जस्ट मेक श्योर आई विल इंटीग्रेट दिस एंड मेरे को पूरे लेंथ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन आई विल बी एबल टू फाइंड दिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल गिव मी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर लेंथ। अब यही बायो सेवर्ट्स लॉ को मुझे दो सर्फेसेस पे लगाना है। अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की मैं बात करूँ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर एक पॉइंट पे मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ये मुझे निकालना है। तो लेट अस मूव टू दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का हेडलाइन दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड ये कैसा होना चाहिए, दिट शुड बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब देखो, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो ये ऐसे इनफाइनाइट है, ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट, नीचे की तरफ भी इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। अब देखो, इनफाइनाइट में ये किसी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये पॉइंट आप कहाँ भी ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। तो इन्फिनिटी पे अगर आपको पता है आप ये पॉइंट कहाँ पे भी लोगे तो इस इन्फाइनाइट वायर को आप एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, बस ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, राइट। तो इस पॉइंट को अगर मैं ज़ीरो मानूँ तो अभी ज़ीरो से ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है लेंथ, और अगर इसको ज़ीरो मानूँ तो अगर इस डिरेक्शन में अगर मैं मानूँ इसको तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है लेंथ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ करंट का डायरेक्शन हमारा ये है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे डिफाइन करना है वो है स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल। तो मैं ज़ीरो से ऊपर यहाँ पे आई डिफाइन डी एल। मुझे पता है करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही मेरा डी एल लेंथ है छोटा सा। अब मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी बायो सेवर्ट्स लॉ में कि मुझे डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस डी एल से विल गिव मी आर बार एंड दिस विल बी माई एंगल। एंगल मेड बाई डी एल वैक्टर विथ आर बार इज नथिंग बट थीटा। अब देखो, समझने वाली बात है, वही लेंथ का जो डी एल लेंथ है सेंटर से मैंने माना एल, करेक्ट। अगर मेरे को अभी फील्ड के लिए इंटीग्रेट करना है लेंथ को तो मैं कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूँगा, इस पॉइंट से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर मैं सेम नीचे की बात करूँ तो नीचे भी एक स्मॉल एलिमेंट डी एल होगा, करेक्ट। अब इस डी एल का डायरेक्शन ये होगा और इस आर बार का डायरेक्शन ये होगा। अब नीचे बिलो ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ तो इस डी एल की वजह से भी इस पॉइंट पर कुछ फील्ड लगेगा। तो इस पॉइंट पर दो डी एल की वजह से फील्ड लगेगा, एक इस तरफ और एक इसकी वजह से, एक ऊपर वाले डीएल की वजह से, एक नीचे वाले डीएल की वजह से। सो विल बी गेटिंग टू फील्ड्स। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों फील्ड जो लग रही है बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये दोनों सेम है कि नहीं। अब इस केस में एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा होगा, करेक्ट।
बिल्कुल सही। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आर बार, ये भी आर बार, तो दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये पाई माइनस थीटा आएगा, दिस विल ऑल्सो भी पाई माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आ रहा है डी बी बिकॉज ऑफ अबव डी एल विल बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, करेक्ट, अपॉन आर स्क्वायर। अब बिलो बिलो डी एल की वजह से कितना आएगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई डी एल साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, अब देखो ये डी एल, ये आर बार, दोनों के बीच में एंगल इस बार क्या आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स के बेसिक में पढ़ा कि अगर मैं साइन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है। तो साइन थीटा इज नथिंग बट साइन पाई बाय माइनस थीटा। तो अगेन इफ आई राइट दिस, दिस विल बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं वन और टू को देखूँ तो जितना फील्ड ऊपर का लेंथ एलिमेंट की वजह से आ रहा है इस पॉइंट पे, उतना ही फील्ड नीचे वाले लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ से मुझे एक ज़बरदस्त चीज़ मिल गई, रादर देन मी इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या मैं लेंथ को जीरो से प्लस इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करके उसी को दो से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, तो मेरा फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी बार इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू डी बी बिकॉज ऑफ द एलिमेंट डी एल। अगर मैं आप इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को ऊपर वाले हाफ को ही इंटीग्रेट करना है, तो आई विल इंटीग्रेट दिस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब कुछ नहीं करना है आपको, दोनों चीज़ का डी बी सेम है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ सिर्फ, तो ये ऐसे आएगा। नाउ इफ़ आई पुट द वैल्यूज, टू इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी इफ़ आई पुट डी बी। नाउ देखो एक और चीज़ मेरे को पता है, मेरे को इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, इसको मुझे डिफाइन करना है, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ आर बार। दिस इज़ अगेन अ कॉन्स्टेंट, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, उसको मैं आर बार से रिप्रेजेंट करूँगा। तो अगर मैं अभी इस चीज़ को लिखूँ तो ये आएगा म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई, करेक्ट, इंटू मेरे को यहाँ पे आएगा आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप डी एल की बात करें अभी, तो इस केस में इंटीग्रेशन मेरे को विद रिस्पेक्ट टू डी एल लेना है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा जितने भी वेरिएबल होंगे उनको मैं इन टर्म्स ऑफ एल लिखने का कोशिश करूँगा ताकि मेरे को इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एल मिल सके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइन थीटा, देखो ये अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, तो ये 90 डिग्री है, ये एल है, और ये अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो ये मेरा एल डिस्टेंस है, दिस इज़ आर, दिस इज़ कैपिटल आर एंड दिस इज़ स्मॉल आर एंड दिस इज़ पाई माइनस थीटा। ये ट्रायंगल मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ किया। अब अगर मैं यहाँ से साइन ऑफ पाई माइनस थीटा निकालने का कोशिश करूँ तो वो मेरा साइन थीटा ही आएगा, करेक्ट, एंड साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट आएगा छोटा आर अपॉन कैपिटल आर। और इसी ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूँ तो ये आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिर्फ आर की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सारे वेरिएबल्स मेरे को पता चल गए यहाँ से। तो अगर मैं अभी वन बाय वन इसको पुट करूँ, देखो तो जितने भी कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकलेंगे, जितने भी कॉन्स्टेंट्स है वो सब इंटीग्रेशन के बाहर निकलेंगे। तो ये आएगा टू इंटू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू आई भी कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी डी एल साइड में हो गया, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आर का क्यूब। अगेन अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो मुझे एक चीज़ पता है, आर इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू वन बाई टू, बट मुझे चाहिए आर क्यूब, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू। तो मुझे आर स्क्वायर आर क्यूब मिल गया इन टर्म्स ऑफ एल। अभी मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बी इज इक्वल टू 2 into mu naught upon 4 pi into I integration of 0 to infinity, ठीक है, dl sin theta, मतलब अगर मैं r को भी बाहर निकालूँ उस एक्सप्रेशन से तो यहाँ पे बचेगा dl upon r square plus l square raised to 3 by 2। Now, अभी अगर आप देखोगे, अगर आप में मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है
तो आपको एक चीज़ याद रखना है, देखो चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर आपको इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, हम सीखेंगे इसको मैथ्स में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में वीक है, वो डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखो, ये आता है, इसका वैल्यू आएगा 1/r². कैसे आएगा, अगर आपको ये चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम सेपरेट लेक्चर में इस इंटीग्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको r से r कट करूँ, 1 से 2 लिखूँ, तो आई हैव दिस ब्यूटीफुल फाइनल एक्सप्रेशन जो कि होगा μ0 I/2πr। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द लेंथ विच इज़ फ्लोइंग, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 I/2πr। अगर यही इन्फाइनाइटली लॉन्ग जो कंडक्टर है वो सेमी इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो फॉर सेमी इन्फाइनाइट लेंथ मैं आराम से ये बोल सकता हूँ कि दिस फील्ड इज इक्वल टू हाफ द एक्चुअल फील्ड बिकॉज ऑफ टोटली लॉन्ग इन्फाइनाइटली लॉन्ग सेमी ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा μ0 I/4πr। तो ये किसके लिए आएगा, ये सेमी इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग कंडक्ट करंट में आएगा, एंड दिस विल बी फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये था पहला एप्लीकेशन बायो सेवर्स लॉ का, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, एंड एट डिस्टेंस आर अगर मैंने इसको देखा कि मेरे को फील्ड कितना चाहिए, तो मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा μ0 I/2πr, μ0 अगेन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, जिसका वैल्यू आएगा 4π × 10⁻⁷, जो आपको याद रखना है, तो आप फील्ड निकाल सकते हो। नाउ क्विकली मूविंग अहेड, लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोस लॉ फॉर अ सर्कुलर आर्क करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सर्कुलर आर्क करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कितना आएगा, मेरे को वो निकालना है, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर आर्क वाला कंडक्टर, दिस इज द सर्कुलर आर्क, यहाँ से करंट का डायरेक्शन जा रहा है, इस पॉइंट को मैंने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी बोला, ठीक है, दिस इज द रेडियस, इस पॉइंट को मैंने ओ पॉइंट बोला, करेक्ट। यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको मैं थीटा बोल सकता हूँ। लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट लेंथ, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो लेंथ का डायरेक्शन अलॉन्ग द करंट आएगा। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, तो हमेशा कम वॉट में फॉर अ सर्कुलर आर्क द डिस्टेंस या जो एंगल आएगा बिटवीन डी एल एंड आर विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। सो पहला चीज़ आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन डी एल एंड आर विल बी ऑलवेज कितना आएगा, 90 डिग्री फॉर सर्कुलर आर्क। देख के ही आपको समझ में आ रहा है, अलॉन्ग द टेंजेंट डी एल आएगा, अलॉन्ग द टेंजेंट अगर मैं सर्कल में किसी भी रेडियस को एंगल देखूँ तो वो आएगा 90 डिग्री। तो मेरे को ये पता चल गया, मुझे ऑब्वियसली ये पता है ये डिस्टेंस को मैंने आर बोला है। नाउ अगर मैं ये चीज़ बायो सेवर्स लॉ के टर्म पे लिखूँ, तो मेरे को ओ पे फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, इंटीग्रेशन ऑफ μ0 I/2π, अगेन ये आएगा आई डी एल साइन थीटा साइन 90, अगेन इट विल बी नथिंग बट, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डी एल क्रॉस आर बार अपॉन, दिस विल बी आर क्यूब करेक्ट, तो भी आपको ये समझ में आएगा, दिस विल बी डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो देखो μ0 I/2π इंटू ये आएगा आई डी एल और ये आएगा आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर बिकॉज ये ऑब्वियसली डी एल इंटू आर साइन थीटा हो जाएगा, साइन 91 है, तो आई डी आर और एक आर कट जाएगा, अगेन दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन μ0 I/4π है, सॉरी मेरे यहाँ से गलत कर दिया, μ0 I/4π करेक्ट। अब देखो थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ, इसको आर बोलूँ, अगर इसको थीटा बोलूँ, तो मुझे पता है आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो वही अगर मेरा स्मॉल आर्क डी एल होगा, दैट विल बी आर इंटू डी थीटा, नो डाउट। अगर मैं इस छोटे से लेंथ की बात करूँ और इस लेंथ को अगर मैं विथ छोटा
एंगल डी थीटा सब्सटेंड करूँ तो दिस विल बी नथिंग बट डी एल इज इक्वल टू आर इन टू डी थीटा। अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगा तो एंगल वाइज मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए जीरो टू पाई। जीरो टू पाई मतलब मैं ए से बी जा रहा हूँ, यहाँ पे जीरो टू पाई, जीरो टू थीटा, सॉरी जीरो टू थीटा, मैं एंगल जीरो से थीटा जा रहा हूँ, करेक्ट। तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, मेरा एंगल आएगा जीरो टू थीटा। अगर मैं आई की बात करूँ तो आई तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी आर इन टू डी थीटा और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। आर से आर कट गया, पूरी इंटीग्रेशन में आपका वैल्यू ऑफ आर थ्रू आउट द लेंथ रिमेंस द सेम और आई भी बाहर निकलेगा, अगेन दिस इज नॉट इन्फिनिटी, सॉरी दोस्तों ये थीटा है। तो फाइनल इक्वेशन आएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इन टू आई, आर बाहर निकला और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा। सो दिस विल बी माई फाइनल एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा फील्ड इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा। अब अगर देखोगे, इफ अगर वो पॉइंट को मैं सेंटर बनाऊँ और अगर वो सर्कुलर आर्क पूरा एक सर्कल परफॉर्म करेगा तो मेरा थीटा आएगा टू पाई। तो मेरा बी फॉर कंप्लीट सर्कुलर आर्क एट सेंटर फील्ड कितना आएगा विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू टू पाई। टू पाई इज नथिंग बट 360, तो ये हो गया वन जा, ये हो गया टू जा, माई आंसर विल बी म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने बायोट सेवर्स लॉ पढ़ा, बायोट सेवर्स लॉ का एप्लीकेशन किया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वो इन्फिनेटली लॉन्ग है और अगर मैं दूसरा सेमी इन्फिनेटली लॉन्ग कंडक्टर की बात करूँ तो उसका एक्सप्रेशन निकाला म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आर। दूसरे के केस में अगर मैं सेमी पूरे लॉन्ग कंडक्टर की बात करूँ तो म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर। एंड फाइनली अगर सर्कुलर आर्क है तो उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड कितना आएगा म्यू जीरो आई इंटू आई अपॉन आर इंटू थीटा। नाउ दिस इफ अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क होगा, सेमी सर्कुलर आर्क होगा तो मेरा थीटा आएगा पाई एंड फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू पाई। सो अगेन दिस विल बी म्यू जीरो आई अपॉन फोर आर। तो इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर आर्क का थीटा दिया जाए तो ईजिली आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था मुझे पता है, बट बायो सेवर्स लॉ और उसका एप्लीकेशन एक साथ समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगले लेक्चर में इसी को एक्सटेंड करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।